एक्स्ट्रा न्यूज चैनल मेरिया ने विनीता के साथ आई देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। बड़वानी पीएच विभाग का खेल जल जीवन मिशन योजना हो रही है फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जल जीवन मिशन योजना को बड़वानी पीएच विभाग दिखा रहा है ठेंगा। यहां कागजों पर पूर्ण हो चुकी है योजना, किंतु धरातल पर अभी भी इसमें कई सारी खामियां हैं। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में साफ व स्वच्छ जल पहुंचाना है, साथ ही उन पंचायत में बने हुए शासकीय भवनों में भी पानी पहुंचाना है, किंतु बड़वानी पीएच विभाग ने इस योजना में बड़ी बड़ी लापरवाही बरती है। हमारे चैनल ने अभी तक बड़वानी जिले के लगभग 10 पंचायतों में जाकर इस योजना को देखा है, जिसमें से एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां पीएच विभाग ने पानी पिलाना शुरू किया कर दिया हो, जबकि दी गई जानकारी के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि पीएच विभाग बड़वानी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी दिखा रहा है। आगे और भी दिखाएंगे जल जीवन मिशन योजना की जमीनी हकीकत। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज हलचल इंडिया। दिखाइए जरा इसको, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र काकरिया में लाखों की योजना को इस प्रकार से दिया गया है। जी, ये आपके यहाँ पे जो लगा हुआ पानी की व्यवस्था के लिए, तो ये ऐसे ऐसे डाल के स्टैंड नहीं बनाया गया है। आप क्या स्टैंड, तो ये इधर इधर ये यहाँ पे बना हुआ, ये किसका है? एपीएस का है। आंगनवाड़ी का अलग से नहीं बना, मतलब ये दोनों कंबाइंड कर दिया, ये बना दिया, ठीक है ना। मतलब ये देखिए वहाँ पे भी बना हुआ है, ये सामने दे दिया है उसको। ये लाखों रुपए की योजना जो आंगनवाड़ियों में बना के देना है, क्या स्टैंड, इसके बाद में इसके ऊपर जो ठंडा पानी रहे ताकि बच्चों को ठंडा पानी मिल सके। इधर भी दिखाइए जरा, यहाँ पे ठंडा पानी मिल सके इसके लिए 3 स्टैंड सेट बना के लगाना चाहिए था, लेकिन वो खुले तौर पे यहीं पे लगा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि पूर्ण हो चुकी योजनाएं। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी बताया गया था, पिछले दिनों ही घोषणा की गई थी और बताया गया था, बैठक में पीएचई विभाग को निर्देश दिए गए थे कि जब तक नल से जल ना आए तब तक योजना पूर्ण नहीं मानी जाएगी, जबकि कागजों पर यही योजना पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि पीएचई विभाग इन लोगों को पैसा पहले ही पास करवा चुकी है ठेकेदारों को, और योजना को अभी तक धरातल पर नहीं उतारा है। मतलब साफ है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हो चुका है। अब नल से जल कब मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे भी हमने आपको दिखाया वही चीजें, हर जगह कहीं जगह भी आंगनवाड़ियों में इस प्रकार से जो टी स्टेट प्याऊ स्टेट है उससे पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। जल जीवन मिशन योजना की आगे की बात हम बताने आपको जा रहे हैं। ये है शासकीय प्राथमिक विद्यालय आगरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो नल है ना जल है, फिर भी ये कागजों पर 30,28,000 की योजना पास हो चुकी है। यहाँ पर पूर्ण बताया जा रहा है, 5 स्कूलें हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 स्कूलों में आगे हमने देखा था कि वहाँ पर भी पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी बच्चे हैंडपंप से पानी पी रहे थे, और यहाँ पर नल भी कहीं नहीं लगे हुए। अब यहाँ पर मौजूद शिक्षक महोदय से हम पूछना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि आखिर में ये कब और क्यों बना था और किस लिए बना है, बच्चों के इस्तेमाल के लिए बना हुआ है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। तो इसमें पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, वो मोटर जल गई, एक ही बार चल रही, उसके बाद नहीं चल रही। एक ही बार चल रही कहाँ पे, कहाँ पे? ये इसको, तो ये हैंडपम्प में ही है, इसको डाली? हाँ सर। जरा दिखाइए, दिखा दिया सर। ये काकरिया पंचायत, हाँ सर, ठीक है। ये रही, यहाँ पर 30,28,000 योजना है, 3 स्कूल है, हाँ, यही अलग यही पे आगे नहीं, अलग अलग यहाँ पे कितनी स्कूल है? दो है हाँ, बाकी उधर शासकीय प्राथमिक विद्यालय, हाँ, दो है, हाँ, एक माध्यमिक और एक माध्यमिक एक प्राथमिक, ठीक है, हाँ। और
आंगनवाड़ी कितने हैं? यहाँ पे एक है सर। और बने हुए होंगे ना? आगे है सर, इसी मतलब काकरिया में। अच्छा काकरिया, यहाँ पे पांच स्कूल है टोटल है। काकरिया चार है और एमएस एक। हाँ, और आंगनवाड़ी तीन है। ठीक है, तो इसमें काम पूर्ण हो चुका है। जबकि ये इसमें मोटर डाली गई थी तो नया नहीं खोदा गया था यहाँ पे ट्यूबवेल? नहीं सर, इसी में से डाल दिया ना। ये प्रोसेस सभी दूर है, जहाँ पे हेडपंप में वहीं पे किया है ये सब, मतलब डालने का। तो एक जगह किया है आंगनवाड़ी में, वहाँ पे ट्यूबवेल। तो ये जो लाखों रुपए दिए हैं इसमें, तो जैसे कि गांव होने में भी वैसे तो ट्यूबवेल होल है सभी जगह है। हाँ। ठीक है, उसके बावजूद लोगों को शुद्ध पानी पहुँचाने। क्या नाम है सर? कौन से सर, यहाँ पे ये जो पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन योजना के द्वारा दी गई है, तो इसमें तो नल भी नहीं लगे हैं। तो पानी तो फिर कैसे मिलता होगा? अभी हैंडपम्प से, हैंडपम्प से ही पी रहे हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मीटर भी नहीं लगा ना सर। मीटर भी नहीं लगा हुआ है पानी की व्यवस्था। इसमें तो कागजों पे तो सर पूर्ण हो चुका है। ये देखिए आपकी ये काकरिया पंचायत, यहाँ 30,28,000 की योजना है। पांचों स्कूलों में पूर्ण काम हो चुका है, उनको पानी भी मिलने लग गया है। ट्यूबवेल वगैरह भी नई खुद के आपको भरपूर बच्चों को यहाँ पे पानी दिया जा रहा है। तो ये गलत बात है, वास्तविक में तो धरातल पे तो नहीं उतरी है ना ये योजना। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ नहीं, इसमें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें ये पूर्ण बता रहा तीनों स्कूलों में, और आगे भी हमने देखा वहाँ तो ये प्याऊ स्टैंड सेट भी नहीं बना हुआ है। आपके यहाँ तो प्याऊ स्टैंड बना है, इस पर टी स्टैंड सेट लगाना है, जो तीन स्टैंड आता है ना वो भी लगाना रहता है। ये यहाँ पे गायब है, कम से कम ये तो लगा हुआ है, पर इसमें इससे नल गायब है। मतलब अभी तक इसमें नल भी नहीं लगा तो पानी कहाँ से पहुँचेगा? सही बात है ना सर? जी सर, अभी स्टैंड लगाना बाकी है। अच्छा, ये कब से बना हुआ? और यहाँ ये दो महीने से, दो महीने से हो गए, और इधर सर पत्रे हैं इसलिए ऊपर अच्छा, नहीं रख पाए। ये जो है चद्दर होने का, ऐसा कैसा बनाना? ऊपर चद्दर है। अच्छा, और ऊपर टंकी, ये और ये अलग अलग, ये और ये अलग अलग, मिडिल का है वो प्राइमरी का है। अच्छा अच्छा जी सर, दोनों सर कंबाइन है, दोनों कंबाइन है यहाँ पे, प्राइमरी और मिडिल है। हाँ हाँ, तो ये दोनों का अलग अलग बनाया है। ठीक है, यहाँ पे चद्दर टीन स्टैंड सेट लगाने की जगह नहीं। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योजना की लाखों की योजना का पानी किस प्रकार से दिया जा रहा है? ये पाइप लगा के इसमें नल बिठाए गए और पानी दिया जा रहा है, जिसमें बिल लगा है 4,72,000 का शायद। वहाँ पे तो हमें तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया था, यहाँ पे दिखाई दिया है देवला पंचायत में, लेकिन वो भी इस तरह से दिया गया है। अब ये पाइप लाखों का हो सकता है, ये तो हम दर्शकों से ही पूछेंगे, और वही इसका पता लगा के बताएं कि आखिर में ये लाखों रुपए की योजना है या नहीं है। मैं न्यूज एजल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। ये आंगनवाड़ी केंद्र मैडम, यहाँ पे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था नहीं की गई? नल लगा यहाँ पे, स्टैंड वगैरह कुछ नहीं बना? नहीं। तो ये देवला पंचायत, यहाँ पर तीन स्कूल है और एक आंगनवाड़ी, ये देवला पंचायत में ही आता? ठीक है, तो यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पे तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं और स्कूल में भी नहीं, टंकी वगैरह कुछ नहीं बनाया है। अच्छा, मतलब ये जो नल से पानी देना बच्चों को, साफ स्वच्छ पानी देना, स्कूल के लिए नल कनेक्शन इधर से दिया है और इधर आंगनवाड़ी में नहीं दिया। अच्छा अच्छा, नहीं तो यहाँ पे स्कूलों में, हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में, आंगनवाड़ी में अलग से बनवाना था, पर नहीं बने, काला पानी बाकी सब दूर बन गया। हाँ हाँ, में छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है, और वो वहाँ पे प्राथमिक है, तो प्राथमिक में भी जो पानी की व्यवस्था शासन प्रशासन जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत दे रहा है, वो प्राथमिक में भी टी प्याव स्टैंड नहीं बना हुआ है, और यहाँ पर भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा मैडम। तो यहाँ पे बना सर, ये नहीं, ये तो पुराना है। हाँ, ये जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी हर गांव में, यहाँ पे देखिए ये देवला पंचायत। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 4,72,000 की योजना है। हाँ,
तीन स्कूलों में पानी पहुंचाना है और एक आंगनवाड़ी में पानी पहुंचाना है, तो यहाँ वहाँ पे भी प्राथमिक में देखा टंकी है सर फिलहाल? नहीं नहीं, वो तो है, वो तो गांव वालों के लिए अलग योजना है। अच्छा, गांव वालों के लिए अलग है और स्कूलों को अलग से पानी देना। तो पानी के लिए सर अभी हमने नल का ये करा है सर, उनके द्वारा दिया कि नहीं? हाँ दिया है ना सर। नहीं हा? तो कहाँ है स्टैंड, कहाँ लगा हुआ? स्टैंड नहीं लग रहा सर, तो वही सब कुछ बना के देना है बच्चों को। अच्छा, जो टीम बना, आपने देखा होगा दूसरे स्कूलों में कहीं जगह देखा होगा कि नहीं? पर सर ये पाइपलाइन यहाँ से यहाँ तक अभी आई है, तो सर अभी सर का ये था, इसमें पास हो चुका है मैडम। देखिए ये पूर्ण, ये देवला तीनों स्कूल पूर्ण हो चुका है, ये लिखा हो पूर्ण, कोई प्रगति पे नहीं है। आंगनवाड़ी का भी एक है, वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना? इसीलिए और यहाँ पे धरातल पे है नहीं, यही पूछना चाहते हैं कि आपको मिला या नहीं मिला, क्योंकि कागज तो पूर्ण हो चुका है। नहीं सर, वो पाइपलाइन हो चुकी है लेकिन अभी बना हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है मैडम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या शुभ नाम, क्या बात है? मेरा सोसरे प्रेमलता मुखर्जी। कौन से पद पे? मैं मेरी, ठीक है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, मतलब जो शासन प्रशासन जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर स्कूलों में आपने देखा होगा कि तीन सेट वो स्टैंड, क्या वो स्टैंड यहाँ पे नहीं लगा है ना, कहीं नल वगैरह कोई कहीं से पानी नहीं आ रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो टंकी बनी हुई है पर अभी वो अच्छा, मतलब वो पंचायत, वो तो पंचायत की तरफ से हो गया ना, स्कूल के माध्यम से, स्कूल के प्राइवेट, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया है। अच्छा, ठीक है, ये लीजिए।